यहाँ पर भी देखो भाई पूरा खाली हो रखा है इसके बुज के अंदर। अफगानी बंदे भाई कर्फ्यू लगा पड़ा है पर हमें क्या करना है, हमें समाज सेवा करना है। मर के तो लीडर हुए वैसे चाहते ये है। अच्छा से जय हिंद। तो राहुल की तरफ से प्यारी से गुड इवनिंग। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आज भाई तुम्हारे भाई ने कर दिया स्टार्ट से थे स्कूटी से ब्लॉग। एंड भाई हल्द्वानी में लगाया लॉकडाउन, जैसा आप लोगों को पता ही है दोस्तों। धारा 144 गलत रास्ते में आगे बोल भाई, धारा 144 लगी है। तो इस वजह से भाई हर जगह इतना भयंकर हो रहा है ना भाई, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा लगे हैं। बट हम लोग निकल चुके हैं भाई, हिम्मत रख के हौसला रख के भाई घर से निकल चुके हैं। तो मैंने विपुल भाई को भी बुला लिया था और हम लोग अभी जा रहे हैं भाई ब्रिजलाल, क्योंकि पूरे हल्द्वानी में भाई नेट ही नहीं चल रहा है, ब्रिजलाल के हॉस्पिटल में चल रहा है। तो एक बार चुपचाप से जा रहे हैं हम लोग एंड वहाँ पर जो भी होगा वो शेयर करते रहेंगे आपके साथ। तो बने रहिए दोस्तों आप लोग। तो फिलहाल तो बहुत ही कम लोग निकल रहे हैं भाई घर से बाहर, क्योंकि पुलिस वालों का दौर ही भयंकर इतना खतरनाक चल रहा है दोस्तों, अब मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है तो देखते हैं अभी क्या रहता है सीन सपाटा। देख रहे हो आप लोग जैसे एक बार लॉकडाउन में हुआ था ना भयंकर, वैसे सन्नाटा हो चुका है हल्द्वानी के अंदर और काफी काफी बूढ़े लोग ही निकल रहे हैं भाई घर से बाहर, क्योंकि यार इवनिंग मॉर्निंग वॉक करने वाले हुए हैं। तो इसलिए बंद गाइस देख रहे हैं, बहुत कम दुकानें खुली होगी भाई अपने रिस्क पे। एंड यहाँ पर तो हमारे मोहल्ले साइड तो इतना वो नहीं है कुछ इशू, इस वजह से यहाँ पर लोग बाग घूम ही रहे हैं बाहर जितना आप लोग देख रहे हो भाई, है ना। बट ये लॉकडाउन से कम नहीं हो रहा दोस्तों, अभी थोड़ी देर बाद पुलिस वालों का रौला हो जाता है उतना ही। तो इस वजह से देख ही रहे हो आप लोग। निकल चुके हैं दोस्तों अभी ब्रिजलाल, क्योंकि यार भाई सोशल मीडिया में देखते हैं भाई कि क्या चल रहा है सीन शॉट, और हर जगह में तो चल नहीं रहा भाई नेट, इसलिए हमें भी ब्रिजलाल ही जाना पड़ रहा है भाई। सुबह भी गए थे बट वहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे दोस्तों, इस वजह से यार बहुत रिस्क हो रहा है वहाँ पर, और पुलिस वाले महंगा लाठी चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि धारा 144 भाई गोली भी लग सकती है भाई। तो इतना रिस्क लेके तुम्हारा भाई महंगा जा रहा है वीडियो बनाने, तो दोस्तों यार आपका भी फर्ज होता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई वीडियो को। ठीक है शेर वाली वीडियो देखी नहीं देखी आप लोगों ने यार, भयंकर आज का बहुत ट्रेंड में चल रहा शेर भाई अपने, यार मजा आ गया शेर भाई का, शेर कहेंगे ना इसकी वजह से बंदा बंदा इतना गजब कहते रहा था गाइस शेर, और शेर कह लोग शेर भी करते रहे भाई बहुत तगड़ा। अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रिजलाल, तो काफी फनी मोमेंट्स देखने को मिलेंगे भाई, क्योंकि यार हल्द्वानी में भैंस की मूंछ बहुत तगड़ा हो रहा है सीन भाई। पर देख रहे हो भाई इतनी भीड़ लगी है लोगों की, तो यहाँ पर चल रहा है भाई नेट इतने वाले एरिया पे, बाकी तो क्योंकि हॉस्पिटल की वजह से चल रहा हो सकता है क्या पता, है कि नहीं। ये देखो भाई आपने दो भाई लोग भी नेट चला रहे हैं, ये देखो गाइस। तो हल्द्वानी में लॉकडाउन देख रहे हो गाइस, इस रोड में भैंस की कुछ कितनी गाड़ी चलती थी, आज तो बिल्कुल सन्नाटा हो गया भाई गंदा ही। यहाँ पर भी देखो भाई पूरा खाली हो रखा है भैंस की कुछ गंदा ही। तो यहाँ अपने दो भाई लोग बैठे हैं, ये देखो तेरा व्लॉग भी देख रहा था मैं, तेरा व्लॉग भी तो देख रहा था तेरे फोन में, मजा आ गया भैंस की कुछ। पूरे हल्द्वानी में भाई ब्रिजलाल के सामने नेट चल रहा है, और मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे होंगे भाई कल से आप लोग भी आ जाना, क्योंकि मैं तो ये कल को अपलोड करूंगा। एंड यहाँ पर देख रहा भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है भाई, पूरे बिल्कुल नेट चलाने के लिए यहाँ पर गंदा ही हो रहा है। ये देख रहा एक इन दोनों की अलग ही लड़ाई चल रही है, खिड़िंग खिड़िंग बाबा की। मेरा फोन नहीं दे रहा, मेरे फोन पर अपना हक जता रहा है, हक जता रहा है। और ये रोड देखो ना गाइस, आज हाँ लाखों की भीड़ में गाड़ी चलती थी भैंस की, आज एक गिनी चुनी गाड़ी चल रही है भाई, और बाकी तो कुछ नहीं है भाई देख रहा इतने हो गया। और ये इतना भयंकर हो रखा भाई हल्द्वानी में भाई पूरा कर्फ्यू वाला सीन हो रहा है यार, लॉकडाउन नहीं हुआ था एक बार जैसे वही सीन चल रहा है पूरा यार, अब क्या करें भयंकर परेशान हो चुका हूँ मैं तो यार भाई। ये देख रहो भाई एक सामने देख रहा हूँ, अब ये पागल हो चुका है भाई, ये पता नहीं कैसी हरकत कर रहा है। देखो हॉस्पिटल के सामने मेरे को लग रहा भाई ये कहीं उठ के तो नहीं आ गया भाई आधे उसमें इलाज में, क्या नवीन क्या लग रहा है, ऐसी लग रहा है मेरे को तो आधे इलाज में उठ के आ गया होगा। नहीं है ये ऐसी लग रहा है, तो गाइस देख सकते हैं पागल हो चुका है, पागल उधर हरकत कर रहा है रोड पे लगी, ये क्या भयंकर पूरे हल्द्वानी में नेट नहीं चल रहा है, ये बंदा लगी पागल सोच रही है से। देख रहो साथ आ चुके हैं कैली भाई भयंकर अपने स्टाफ छोड़ के, तो हमारे भाई आते रहते हैं भयंकर हमसे मिलने के लिए। तो यार इतना भयंकर चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, देख रहे हो पीछे भी भीड़ हो रही है भाई लड़कियों की, तो सभी लोग नेट चलाना आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यार ब्रिजलाल के सामने चल रहा है भयंकर, और इतनी खतरनाक भीड़ हो रही है ना दोस्तों यहाँ पर, बहुत तगड़ी भीड़ हो रही है। तो ये चल रहा है, फ्रेंड को मैसेज कर दिया इसने यहाँ पर से, सीधे समाज सेवा कर रहे हैं, अभी भी हमारा हॉस्पिटल खुला हुआ है, सारी चीजें बंद है, पूरा हल्द्वानी बंद है भाई, कर्फ्यू लगा पड़ा है, पर हमें क्या करना है, हमें समाज सेवा करना है, इसलिए हम अभी ऑन ड्यूटी हैं हम लोग। और ये भी तो बताओ पूरे हल्द्वानी में यहीं पर चल रहा है, और पूरे हल्द्वानी में बस यहीं पे नेट चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है, और इससे लोग कितने परेशान है पता नहीं, लोगों का ऑनलाइन कारोबार रुक रखा है। तो गाइस ये जल्दी खत्म हो, हम यही चाहेंगे, बाकी मिलते हैं आगे ब्लॉग में। तो दोस्तों देखो उसको यहाँ पर ले आए भाई वो बंदे को, जो उस टाइम से वहाँ पर ड्रामे चल रहा था क्या, हॉट वाटर बैग
मैं ले लूँ क्या? मैं ले लूँ? हाँ हाँ ले लो। नहीं यार, क्या करूँगा इसका मैं भाई? क्या था यार भाई, इतनी भीड़ लग गया भाई, सभी लोग यहीं पर नेट चला रहे हैं भाई, अपना मस्त करके यहीं पर चल रहा है भाई सबका नेट। ये देखो भाई, भाई ये भयंकर कर रहा था, खतरनाक लगा रखा इसने यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया इसे। देखो भाई, तो तुम्हारा भाई पहुँच चुका है भाई घर में, एंड यहाँ पर ना घर में बहुत फैमिली मेम्बर्स आए हैं आज, और यहाँ पर मेरी मम्मी भी है। तो मम्मी कुछ कहना चाहोगे आज जो लॉकडाउन हुआ है, कर्फ्यू जैसा लगा है, क्या कहोगे? क्या कहूँ, बहुत ही हंगामा हो रखा है, लोग इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। हम तो जा रहे हैं, और लड़के मड़के तो निडर हुए वैसे जाते ही है। खाली हमको घर में बैठे बैठे डर लग रहा है। बताओ क्या कहें यार भाई साहब, तगड़ा ही चल रहा भाई। सो गाइस, आज हमारे घर में आ गए अब्बू, और अब्बू से पूछेंगे कि हल्द्वानी में क्या चल रहा है, तो अब्बू भी बताएगा हमें। तो अब्बू बताएगा ना, तो हमारा अब्बू, तो हमारा अब्बू भतीज बताएगा हमें। तो अब्बू, हे गाइस, आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो फिर आजकल यहाँ चल रहा है दंगा, के दंगा प्रसाद, दंगा प्रसाद की वजह से यहाँ पर एक चींटी तक कनी घूम रही है। और तुम्हारा चाचा कैसे घूम रहा है फिर? पता नहीं, सिस्टम है भाई। हाँ सिस्टम। तो अबू क्या क्या हो रहा है फिर, और बताओ कि हल्द्वानी में क्या चल रहा है, बताओ। एक दूसरे को मार दे रहे हैं लोग, उन्हें गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, ऊपर से छत से कहते पत्थर फेंक रहे हैं, है? पता नहीं क्यों। जैसा अबू ने बताया आपको कि क्या क्या हो रहा है, देखो बच्चों पर इतना खौफ फैल लगा है ना भाई, कि हम तो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सही हो जाए, बाकी नेटवर्क आ जाए भाई। नेटवर्क के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है हमें, वो भी यार बहुत ही मुश्किल से ढूंढा हमने वो जगह जहाँ पर नेट चल रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई वीडियो अपलोड करने में भी। अब जिसका यार नेट वेट का काम होगा तो वो बेचारा कैसा कर रहा होगा, समझ ही सकते हो आप लोग, है ना। और मेरे को भी कंटेंट डालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, शॉर्ट्स डालने में भी। बाकी जैसा चल रहा है चल ही रहा है भाई, वो हम ही जानते हैं। तो आप बने रहिए दाजू के साथ। सो गाइज, अब वो आपको एक गाना सुनाना चाहता है, तो अब वो सुनाएंगे आप। ओ देश मेरे तेसानु पसज के, बस खत्म, इतना ही आता है। हाँ। जय हिंद जय हिंद, तगड़े और अच्छे से जय हिंद। भाई घर से बाहर भाई रात को करीबन 8 बजे के टाइम पे, एंड अभी घर के दाई आएंगे, तो उनके रूम में स्टे कर रहा हूँ आज, क्योंकि यार नेट वेट चल नहीं रहा, तो बोरिंग हो जा रहा है घर पे, और आप लोगों के लिए यार वीडियो डालने के लिए जाना पड़ेगा। पुलिस वाले देख रहे भाई, गंदा ही रौला बचा रखा भाई इन लोगों ने, कुछ कहना भी नहीं हो रहा भाई, ठीक है। तो फटाफट बिजलाल पहुँचता भी मिलते हैं आपसे। आ चुका हमारे कार के भाई भी, और यहाँ पर देख रहे हो भाई पूरा मेला लगा रात के टाइम पे, इतने भीड़ हो रही है ना भाई, क्या ही बताऊँ, यहाँ पर गंदा ही चल रहा है भाई यहाँ पर, देख रहे हो सीन शॉट। तो इस जगह पे आना भाई अगर कल को नेट नहीं चलेगा तो, ठीक है। तो वीडियो तो हम यार कल को डालेंगे, बाकी जो भी होगा भाई दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहना आपको हमारे।